So, hello everyone. I'm here to covering some of the important question of exercise 3.1. एक्चुअली मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेरे जो थे वो रह गए थे और कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ये वाले क्वेश्चंस भी आप कवर करवा दीजिए, तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है. ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 3.1 के हैं, तो उनको भी मैं यहाँ पे कवर करवाती हूँ. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स. ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा आपका कुछ ऐसा. ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल को हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम एक एंगल बना लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमारे एंगल्स हो, तो ये हो गया हमारा ए बी सी और डी. ठीक है, ये हो गया आपका एंगल 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज ऑफ 6. यहाँ पे कितने एंगल हो गए? 6 एंगल हो गए. ठीक है, अब हम सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी. तो एबीसी में हम सम ऑफ सम प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एंगल होंगे, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. ठीक है, तो ये कितना होगा? इट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, नाउ अब ये प्रॉपर्टी हम सेकंड ट्रायंगल में लगा रहे हैं, तो हमारा सेकंड ट्रायंगल क्या है? ए डी सी. ठीक है, ए डी सी में कौन कौन से एंगल है? सी एंगल 6, फिर एंगल 5 प्लस एंगल 4. तो इसका भी सम हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. ठीक है, नाउ इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, और ये दोनों कैसे होंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से ये ऐसे इक्वेशंस आएगी. नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या होगा जब हम दोनों को ऐड करेंगे? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 प्लस 180 डिग्री. ठीक है, तो इट इज़ इक्वल्स टू 360 डिग्री. ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल के बीच का जितना भी एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है. तो ये तो हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है. बट हमें यहाँ पे ये बताना है कि अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो तो क्या होगा. अब हम यहाँ पे एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, सपोज उसको हमने कुछ ऐसा बनाया. ये कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, इसमें कौन कौन से एंगल बनेंगे? एक एंगल ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये हो गया आपका ए बी सी और डी. ये आपका हो गया नॉन कॉन्वेक्स. ठीक है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया? नॉन कॉन्वेक्स. बट इसके अंदर का जो सम होगा, इसमें जो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगेगी वो भी ट्रू होगी. तो हम कह सकते हैं कि हैंस दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, इसके लिए भी ये जो प्रॉपर्टी होगी वो ट्रू होगी. ठीक है, गॉट माई पॉइंट? सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ये. एग्जामिन द टेबल, हमें ये टेबल को एग्जामिन करना है. ईच फिगर इज डिवाइडेड इन टू ट्राइंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल डिडक्टेड फ्रॉम दैट. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमने फिगर देखना है, हमारा ये फिगर इसमें 3 साइड्स है और उसका सम 180 डिग्री है.
फिर नेक्स्ट में 4 है और इसका सम कितना है, 2 × 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी साइड कितनी है, 4, और इसमें हम -2 कर देंगे, तो जैसे ही हम 2 करेंगे और × 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 180 डिग्री, दैट मीन्स इसका सम हो गया 360 डिग्री। फिर यहाँ पे कितनी साइड है, 5 साइड्स हैं, तो इसमें 5 साइड्स में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 3 × 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 5 जो ट्राइंगल हैं उसमें कितनी डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं, या 2 इसमें एंगल्स हैं, उसमें हम -2 करेंगे, × 180 डिग्री करेंगे। फिर ऐसे यहाँ पे भी गिवन है, तो हम इसको देखते हैं। वॉट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो यहाँ पे हमारे पास, अगर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ए, यहाँ पे हमारे पास अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन है और यहाँ पे उसकी नंबर ऑफ साइड गिवन है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होगा। तो इन केस ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा, 7 - 2 होगा × 180 डिग्री, ठीक है, तो 7 - 2 कितना होगा हमारा, 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 × 180 डिग्री कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 5 0 0, 5 8 40, कैरी 4 5 5, 900 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 900 डिग्री हो जाएगा इसका फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले में क्या होगा, 7 8 - 2 × 180 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 6 हो जाएगा, तो 6 × 180 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, सॉरी 1 180 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका इस वाले में 6 0 0, 6 8 48, carry 4 6 6, और ये हो गया 10, ये हो गया 1 0 8 0। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 2 × 180 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 × 180 डिग्री, 8 0 0, 8 8 = 64 का 4 carry 6, 8 1 = 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14, ठीक है। फिर इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा n - 2 × 180 डिग्री, तो ये ऐसा आपका फॉर्मूला बन जाएगा, n - 2, n क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो समझ में आ गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन का है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। अब आपको ये बताना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। तो 3 साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन होगा वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा वो आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, कंडीशन ये होगी कि इसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और सारे एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा एक क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, क्या है, रेगुलर पॉलीगन। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें देखना है कि 4 साइड्स, तो 4 साइड्स का एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 4 साइड का हमारा एग्जाम्पल होगा एक हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हमारे, इसकी सारी साइड्स हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, सारे एंगल इक्वल होंगे, तो ये हमारा, तो जब इनकी सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल इक्वल हैं, तो स्क्वायर भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है, कौन सा पॉलीगन हो जाएगा आपका, रेगुलर पॉलीगन। अब 6 साइड्स, तो थर्ड वाले केस में हमें 6 साइड्स बनानी है जो कि इक्वल होगी और सारे एंगल्स भी उसके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो चलो हम 6 साइड्स बनाते हैं, तो देखो एक साइड हमारी कुछ ऐसी बनेगी। देखो तो यहाँ पे मैं तो इतना परफेक्ट नहीं बना पाऊंगी, आपको ही बनाना है परफेक्ट, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया आपका कुछ ऐसा, अब यहाँ पे आपका कुछ ऐसे, तो देखो मेरी साइड्स तो उल्टी सीधी हो गई है ना, आपको क्या करना है, आपको सारी साइड्स बराबर बनानी। तो ये देखो कुछ ऐसे, सारी की सारी जो साइड होंगी आपकी वो इक्वल होनी चाहिए। मैं इसको रफली ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो देखो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसे,
और ये ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा एयर पोर्शन रब करके बना देती हूँ, तो ये कुछ ऐसा होगा। अब इसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, और इनके जो एंगल बन रहे हैं वो भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका सिक्स साइड का हेक्सागन, जो कि एक रेगुलर पॉलीगन होगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में हमको एक्स का एंगल मेजर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन का हम एंगल मेजर बताते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितनी साइड्स हैं, फोर साइड है, 1 2 3 4। तो फोर साइड अगर होती है तो वो क्या होता है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या होता है, वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। और हमें पता है कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू कितना होता है आपका, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सम ऑफ एंगल्स हम देख लेते हैं कितने हो जाएंगे, तो क्योंकि ये 360 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 360 डिग्री, और सम ऑफ एंगल आपके हो जाएंगे एंगल एक्स प्लस एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल 120 डिग्री प्लस एंगल 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0 0 0, और ये हो जाएगा 3 2 5, 5 5 10, 10 की 0 कैरी 1, 2 और 1 3, तो ये 300 हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका 360 डिग्री, और प्लस एक्स आ गया। तो 360 डिग्री माइनस 300 हो गया, इधर हो गया आपका एक्स, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। मतलब आपकी जो एंगल एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पे कितनी, 60 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे ही आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको बी क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपको इसमें बताना है कि आपका जो एक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो, ठीक है। तो देखो अगेन ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स का सम 360 डिग्री होता है इक्वल टू। तो हम यहाँ पे अगेन इसको डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व करते हैं कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो बी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारी जो एंगल्स हम कितनी कितनी आ रही है, तो ये एक आ रहा है 360 डिग्री के बराबर, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस। अब यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, बट हमें पता है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे इधर जितना होता है उतना ही इधर होता है सेम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यहाँ की वैल्यू होगी आपकी 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 14 और 115, 150 डिग्री प्लस एक्स, और यहाँ हो गया 360 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू योर एक्स। देखो ये मैंने एडिशन गलत कर दिया, ये हो जाएगा आपका 7 21 22, यहाँ पे हो जाएगा आपका 22, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा आपका एंगल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 220 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर 220 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 0 4 और 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 140 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 140 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपका जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसमें आपको देखना है कि ये वाले एंगल की वैल्यू आपकी 70 डिग्री होगी, और इस एंगल की वैल्यू आपकी 60 डिग्री होगी। तो चलो इसको भी हम देख लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 साइड्स हैं, कितनी साइड है, 5 साइड्स, ठीक है। इसके लिए हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं और बताते हैं कि जब 5 साइड्स होती हैं, सी वाला क्वेश्चन, तो सम ऑफ पेंटागॉन कितना हो जाएगा। देखो सम ऑफ पेंटागॉन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 540 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक्स एक्स है, दो दो एक्स है, और एक 30 डिग्री है, और एक 70, और एक 60 है। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 540, और ये हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, और एक हो जाएगा आपका 70,
एक हो जाएगा आपका 60, और देखो एक्स एक्स 70, 60 और एक हो गया 30, तो प्लस हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब इन सबको आप ऐड कर लो और देखो कितना आ रहा है आपका। तो ये तो हो गया आपका 2x, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया आपका, ये तो हो गया आपका 100 और ये हो गया आपका 160 डिग्री, एंगल की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, तो 540 माइनस 160 डिग्री इक्वल्स टू 2 रूट 2 एंगल x। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 0, और 14 में आपका 6 माइनस होगा तो कितना होगा, 4 और 4 8, 80, और कैरी 1 तो 2 गया तो 3 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 380 डिग्री इक्वल टू 2x। अब 2 को हम यहाँ पे ले आते हैं तो ये हो गया हमारा डिवाइड बाय 2, तो हमारे x की वैल्यू हो जाएगी 2 1 2, और ये हो जाएगा 2 9 18 0, तो 190 डिग्री हमारे एंगल x की वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी भी वैल्यू 190 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 190 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी हियर। ठीक है, हमारे पास डी क्वेश्चन है। अब डी क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सम ऑफ पेंटागॉन। क्या है, क्यों पेंटागॉन, क्योंकि आपकी साइड्स कितनी है, 5, तो ये भी हो जाएगा आपका 540 डिग्री। हेंस देखो यहाँ पे आपको सारे एंगल एक्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं एक्स, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 540 डिग्री इक्वल्स टू सारे एंगल दिए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 5x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 540 डिग्री। तो 540 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे x, ये हो जाएगा 5 1 5, 5 8 5, 5 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा 40, तो 5 8 40, और साथ में आ जाएगा आपका यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 108 डिग्री इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक एंगल की वैल्यू आपकी कितनी है, 108 डिग्री। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है और ये फिगर गिवन है, और हमको फाइंड एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई और जेड हमको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू भी गिवन है, सॉरी जेड की वैल्यू गिवन है और वाई की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो देखो अपन हमको सबसे पहले देखना है कि ये ट्राइंगल है, कितनी साइड होती है ट्राइंगल की, 3 साइड्स होती है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि साइड इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो सम ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, सम ऑफ ट्राइंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल आपका 180 डिग्री होगा। अब हम एक वन साइड ऑफ ट्राइंगल, इसकी एक एंगल की हम वैल्यू यहाँ पे निकाल, तो यहाँ पे हम वन साइड निकाल लेते हैं पहले ट्राइंगल की। ठीक है, तो हमें ट्राइंगल की हम निकालते हैं वन साइड ऑफ ट्राइंगल, तो कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 9 10 11 12, ये हो गया 120, तो ये आ गई आपकी 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें सारी साइड्स की वैल्यू पता चल गई सारे एंगल्स की, तो हम क्या करेंगे, इनको अब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जाएगी आपकी 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका y प्लस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपकी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री y की वैल्यू। ठीक है, फिर z प्लस आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी 180 डिग्री टोटल वैल्यू होती है, तो 180 डिग्री माइनस हम 30 डिग्री करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, और 8 माइनस 3 हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों की एंगल की वैल्यू पता चल गई एक्स वाई जेड की, तो यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना बताओ मुझे, ये आ गया आपका 360 डिग्री। ठीक है,
कितना आ गया आपका 360 डिग्री। तो ये हमने इसको प्रूव भी कर दिया और ये इसका सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अब ये वाले क्वेश्चन में, बी वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल लेकर आते हैं। ये हो गया आपका एक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बी है ना। अब देखो आपको पता है कि सम ऑफ क्वाड्री लेटरल इक्वल्स टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये आपको पता है। अब आपको यहाँ पे एक साइड नहीं मालूम तो इसको कैसे निकालोगे आप, वन साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आप एक साइड क्वाड्रिलेटरल के कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वन साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए बाकी साइड आपको पता है 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस, हम यहाँ पे इसको एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ये पूरा का पूरा इक्वल टू 360 डिग्री होता है, तो देखो यहाँ पे 360 डिग्री इक्वल्स टू 60 प्लस 80 प्लस 120, तो ये हो गया आपका 200 और ये हो गया आपका 260 डिग्री प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम 360 में -260 डिग्री करेंगे, इक्वल टू एक्स करेंगे, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100। तो ये हमारा हो गया एक्स, जिसको हमने एक्स माना था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, सेम वैसे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं जेड प्लस 60 इक्वल्स टू 360 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि इसका सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा 360 डिग्री माइनस जेड इक्वल्स -60 होगा। तो एक सेकेंड, इसको हम रब करते हैं और रब करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा 360 डिग्री -60 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 300 डिग्री। ये किसकी वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट एंगल है हमारे पास वाई प्लस 80 डिग्री, तो 360 डिग्री सम होता है, तो 360 डिग्री -80 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो ये हो जाएगा आपका 280 डिग्री। ठीक है, 280 डिग्री किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट है आपका एक्स, तो एक्स है आपका कितना, एक्स प्लस यहाँ पे कितना है 120, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री -120 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 240 डिग्री। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू। ठीक है, नाउ लास्ट है आपका क्या, यहाँ पे आपको कोई कोई भी एंगल गिवन नहीं है, ये आपका डब्ल्यू है ना, तो ये हो गया डब्ल्यू प्लस, अब कितना आया था आपका 100 आया था आंसर, तो यहाँ पे हो गया 360 डिग्री टोटल सम ऑफ एंगल, 360 डिग्री माइनस आपका 100 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 260 डिग्री डब्ल्यू की वैल्यू। नाउ अब यहाँ पे हम करते हैं एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 300 प्लस 280 प्लस 240 प्लस 260 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया आपका, अब इसका टोटल सम कितना निकल के आता है, देखो ये दोनों तो आपके 500 हो गए, ये हो गया आपका 6 7 800, 9 और 10, ये हो गया आपका 1080, 1080। ठीक है, तो इसका पूरा सम आपका निकल के आ रहा है 1080 डिग्री। तो है ना आपका कितना आसान, इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको निकालने हैं। तो देखो जितने भी क्वेश्चन रह गए थे वो मैंने आज आपको करवा दिए हैं। ठीक है, ये वीडियो भी आपके अपलोड हो जाएगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, और कुछ भी क्वायरीज है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, किसी भी क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना के जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास मेरी यहीं पे एंड होती है, आई एम गोइंग टू लीविंग दिस सेशन नाउ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज आपको मिल जाए। तो आपको बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।